लाहौर में मेट्रो बस तकनीकी खराबी का शिकार हो गए। इंजन में खराबी आने पर मुसाफिरों को ट्रैक पर ही उतार लिया गया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद तैमूर से। जी तैमूर बताइएगा। जी बिल्कुल, मेट्रो बस में तकनीकी खराबी या हादसात या कोई इस तरह के जो इश्यूज है वो इन वाकियात में जो दिन ब दिन है वो इजाफा देखा जा रहा है। ये भी एक बस जो है मेट्रो बस वो तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो ट्रैक के ऊपर खड़ी है, जिसकी वजह से बाकी जो बसें हैं वो पीछे ट्रैक पे जो है वो खड़ी हो गई हैं, जिसकी वजह से वो क्योंकि ट्रैक मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो गया था और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के ट्रैक जो है वो बंद रहा है। इसके साथ ही जो मुसाफिर थे उनको इस हवाले से अजियत का सामना करना पड़ा कि इनको ट्रैक से उतर के दीगर लोकल बसेज हैं या जराए हैं उस तरफ इनको जाना पड़ा और 1.5 से 2 घंटे इनके खराब हो चुके थे। इसके बाद हमारी जब बात हुई मेट्रो बस हुकाम से तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 2 घंटे के बाद जो है ट्रैक को जब वापस फाइल कर दिया गया और मेट्रो बस को जो ट्रैक से है वो हटा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया तैमूर।